अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुक विद अली। आज हम बनाएंगे लाहौरी दाल फ्राई। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। दाल तो वैसे सच बोलूँ तो मेरी भी फेवरेट नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे दाल तो, लेकिन इस तरीके से बनाई तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें दाल फ्राई बनाते हैं। एक कप हमने दाल ली है। अब दाल के अंदर हम हसब जायका नमक डालेंगे और दाल को बॉईल कर लेंगे। पतीली के अंदर एक कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब 1 टीस्पून भरकर कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम 2 टमाटर डालेंगे, बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। हरी मिर्चें डालेंगे 3 से 4 चॉप की हुई। नमक डालेंगे हसब जायका, हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है। अब टमाटर गल जाने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर गल चुके हैं और हमारा फ्राई दाल का मसाला तैयार है। अब इसके अंदर जो हमने दाल बॉईल की है वो डाल देंगे। गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। अब इसके अंदर 2 बॉयल किए हुए अंडे डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालने तो कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्राई दाल तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्राई दाल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी यकीनन मुंह में पानी आ रहा होगा, तो कोई मसला नहीं है, पानी पी लें, पानी को ज़ाया ना करें, कोई मसला नहीं है, पानी पी लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।